आज अध्याय पहला एलेवेंथ का ही हो रहा है। हेडिंग है क्वेश्चन आंसर, अध्याय पहला एलेवेंथ फर्स्ट ईयर है ना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं स्टूडेंट को। पहला अध्याय कंप्लीट है, अभी से क्वेश्चन आंसर हम बता रहे हैं आपको है ना। कैसे क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा समाज की परिभाषा दे। समाज क्या है, व्हाट इज समाज, सोसाइटी समाज क्या है, अथवा समाज से क्या समझते हैं, अथवा समाज की कोई एक परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा, एक होगा। आपको ध्यान देना है कि सर क्या बोल रहे हैं, समाज व्हाट इज सोसाइटी, समाज का क्या अर्थ है। आप समाज में रहते हैं, समाज से ही सारे गुण अवगुण सीखते हैं। समाज के बिना, परिवार के बिना हम क्या हैं, अधूरा हैं। समाज के रास्ते से ही हम आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। एग्जाम में आएगा समाज की परिभाषा दे। मेकआइवर एंड पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जैसे मकड़ों का जाल। ये मेकआइवर और पेज कौन है, एक समाजशास्त्री है। कौन है, एक समाजशास्त्री है। तो लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको, समाज से क्या समझते हैं, अथवा समाज की परिभाषा लिखे, अथवा समाज का क्या अर्थ है। लिखना है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जैसे मकड़ों का जाल जो होता है उसी प्रकार समाज है। समझ रहे हैं, समाज जो है परिवार का एक इकाई माना जाता है, एक अंग माना जाता है ना। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, कैसे लिखना है, कैसे हमको आंसर मिलेगा। क्या समाज अमुक्त है, क्वेश्चन आएगा, पढ़ा चुके हैं, लिखा है ना। क्या समाज अमुक्त है, फिर क्वेश्चन आएगा, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है ये, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। फिर एक क्वेश्चन आएगा, समाज से क्या समझते हैं, है ना, वही पहला बताए वही आंसर होगा, समाज से क्या समझते हैं। लेकिन समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जो लिख पढ़ाए आपको उसको ध्यान दीजिए, समाज से क्या समझते हैं, समाज का क्या अर्थ है, कोई परिभाषा लिखिए। ये मेकाइवर कौन है, एक समाजशास्त्री है। लिखना है, मेकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों का जाल है, जैसे मकड़ों का जाल। संबंध, रिलेशनशिप एक जाल है। संबंध, रिलेशनशिप, समझ रहे हैं। अब आगे आइए, समाज का अर्थ, समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से है। समाज का आशय, समाज का अर्थ क्या है, लिखना है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से है। व्यवस्था मतलब समझते हैं, सिस्टम से है। क्या से है, सिस्टम से है। इस प्रकार समाज एक अमुक्त और जटिल व्यवस्था है, समाज एक अमुक्त और जटिल व्यवस्था है, जटिल सिस्टम है। समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्वेश्चन आएगा, लिखिएगा, समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है, कौन कौन है। पहला, समाज अमुक्त है, लिखिएगा, समाज क्या है, अमुक्त है, पहला। दूसरा लिखिएगा, यह जागरूक संबंधों का
संबंधों पर आधारित है। यह जागरूक संबंधों पर क्या है, संबंध रिलेशनशिप पर आधारित है। तीसरा में, समाज में समानता और भिन्नता पाई जाती है। समाज में समानता और भिन्नता पाई जाती है ना, समानता और भिन्नता पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। फिर चौथा पॉइंट है, समाज के लिए सहयोग और संघर्ष दोनों जरूरी है। समाज के लिए सहयोग और संघर्ष, मदद भी करना और संघर्ष भी करना, ये क्या है, दोनों चीज हमें बहुत ही जरूरी है। समझ रहे हैं, किसी को सहयोग करना और उसके लिए संघर्ष भी करना, गौर कर रहे हैं, दोनों चीज जरूरी है। पांचवा पॉइंट, पारस्परिक निर्भरता समाज का जरूरी गुण है। अगला पॉइंट, समाज परिवर्तनशील होता है। समाज क्या होता है, समाज परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तनशील है, समाज में चेंज होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, चेंज होते रहता है ना। अगला पॉइंट है, समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यद्यपि समाज शास्त्र में मानव समाज का ही अध्ययन किया जाता है, मानव समाज क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। समाज कितने प्रकार के होते हैं आएगा क्वेश्चन में, है ना, है ना, समाज कितने प्रकार के होते हैं, सरल समाज, आदिम समाज, जटिल समाज, है ना। समाज ये कुछ प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि इन इन सभी में व्यक्तियों के बीच कुछ विशेष प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, रिलेशनशिप पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, विभिन्न विद्वानों ने समाज की विवेचना तीन मुख्य दृष्टिकोण के आधार पर की है। कितने आधार पर किया है, क्वेश्चन आएगा, विभिन्न विद्वान ने समाज की विवेचना कितने दृष्टिकोण के आधार पर की है। देखिएगा, विभिन्न विद्वान ने समाज की विवेचना तीन मुख्य आधार पर विवेचना की है, कौन कौन, व्यक्तिवादी, समूहवादी और बहुजन दृष्टिकोण। कहते हैं कि व्यक्तिवादी दृष्टिकोण मुख्य रूप से वे जे एल मोरेनो के विचारों पर आधारित है। जेल मोरेनो कौन है, एक समाजशास्त्री हैं, कौन है, एक समाजशास्त्री हैं, समझ रहे हैं, एक समाजशास्त्री हैं, उनके पर आधारित है। व्यक्ति समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। समूहवादी दृष्टिकोण मुख्य रूप से हर्बर्ट स्पेंसर और दुखिम के विचार पर आधारित है। दुखिम कौन है, एक समाजशास्त्री आधारित है। वर्तमान युग में शिल्प डेवलिस तथा जॉन रेशम ने बहुजन दृष्टिकोण के आधार पर समाज की जागरूकता को स्पष्ट किया है। समाज की जागरूकता को क्या किया है, स्पष्ट किया है, वर्णन किया है। अब देखिएगा, हम समाज शास्त्र पढ़ाते हैं, हम समाज की बात करते हैं, परिवार की बात करते, सोसाइटी की बात करते हैं, है ना। समाज अमुक्त है, समाज अमुक्त है, ये किसी व्यवस्था पर आधारित है। समाज में कुछ गुण हैं और एक सिस्टम है, एक लॉ है, उस समाज में उस लॉ के अंतर्गत, उस सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उस लॉ के अंतर्गत हम रहते हैं, उस नियम के अंतर्गत हम बाहर जाते हैं तो हमें समाज से निकाल दिया जाता है, बाहर किया जाता है। आप देखिएगा, हम आगे पढ़ाएंगे, हम अंतरजातीय विवाह सब पढ़ाएंगे, समाज में हमको जो चीज लागू नहीं करता है, जो अलाउ नहीं करता है, वो काम हम गलत नहीं करेंगे। समाज के अंतर्गत जो है चीज, वही हम करना चाहते हैं, वही करेंगे, है ना। अध्याय पहला आज कंप्लीट हो गया, बस आज इतना ही।